हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के हमने थ्री पार्ट्स बताए थे। पिछले वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे। सेल स्ट्रक्चर के तीन पार्ट होते हैं सेल के, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस आज पढ़ेंगे। न्यूक्लियस ये प्लांट सेल का एक डायग्राम है, जिसमें कि ये छोटा सा जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है न्यूक्लियस। तो आज हम इस न्यूक्लियस को, हमने ये बड़ा डायग्राम यहाँ पर बनाया, उसको हम डिटेल स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस अक्रेंस एंड पोजीशन, ये कहाँ पाया जाता है, क्या स्ट्रक्चर होता है और कहाँ इसकी क्या पोजिशन होती है, इसके बारे में। ओवल और स्फेरिकल, ये गोल होता है, सेंट्रिक और सेंटर में होता है। एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स एंड प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स, सर ये प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एब्सेंट होता है, नहीं होता, और यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है, पाया जाता है। इसकी खोज एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट ब्राउन, जिन्होंने की। इट डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज, सो इट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ सेल। जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं ये सेल में, उनको ये डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें डीएनए और आरएनए होता है। डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोस न्यूक्लिक एसिड, ये दोनों ही हमारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करते हैं जो कि इसमें पाए जाते हैं न्यूक्लियस में, इसलिए हम इसको डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं। इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट इज मेड अप ऑफ फोर कंपोनेंट्स, ये फोर कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। फर्स्ट इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। सेकंड इज न्यूक्लियर सैप, इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है उसको हम न्यूक्लियर सैप कहते हैं। थर्ड इज न्यूक्लियोलस, यहाँ पर एक ये न्यूक्लियोलस होती है, छोटे स्ट्रक्चर होती है। और फोर्थ इज क्रोमेटिन मटेरियल, इसके अंदर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इसको क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं और ये इसका फोर्थ पार्ट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, टू लेयर्ड एनवलप अराउंड न्यूक्लियर सैप, ये न्यूक्लियर सैप के चारों तरफ एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होती है, टू लेयर्ड होती है। इसमें आउटर लेयर जो होती है उस पर राइबोसोम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। ये आगे की तरफ जो आउटर लेयर होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी हो सकती है, और इनर लेयर जो होती है वो स्मूथ होती है, और आउटर लेयर जो होती है वो रफ होती है। पोरस एंड सेमी परमिएबल, और इसके बीच में ये न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं और सेमी परमिएबल होते हैं। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में हम बता ही चुके हैं कि सेमी परमिएबिलिटी क्या होती है, ये सेलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अपने अंदर एंटर करने देती है, सो इट इज कॉल्ड सेमी परमिएबिलिटी। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक एनवलप लाइक स्ट्रक्चर होती है और टू लेयर होती है, एक होता है इनर लेयर और एक होती है आउटर लेयर। आउटर लेयर जो होती है वो रफ होती है और उस पे राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसका क्या काम होता है? रेगुलेट्स द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। ये जो है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के बीच में जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है उसमें हेल्प करती है। अब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को यहाँ क्लियर किया जाए, जो सेल का जो फ्लूइड होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहेंगे और न्यूक्लियस का जो फ्लूइड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे। तो यानी इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसके बीच में जो एक्सचेंज होता है मेटीरियल्स का, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसका एक मीडियम बनती है। सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियर सैप, इसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट, न्यूक्लियर सैप
ये अंदर जो भरा हुआ वो लिक्विड है उसको हम न्यूक्लियर सैप कहते हैं। इट इज ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड कोलोइडल सब्सटेंस इन विच न्यूक्लियाई एंड क्रोमेटिन फाइबर्स आर प्रेजेंट। ये एक फ्लूइड है जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर्स और न्यूक्लियोलस पाई जाती है। ये न्यूक्लियोलस है और ये है क्रोमेटिन फाइबर। ये न्यूक्लियर सैप में पाए जाने वाले मटेरियल। थर्ड इज न्यूक्लियोलस। दिस इज न्यूक्लियोलस, डेंस स्फेरिकल मेम्ब्रेन लेस। इसके चारों तरफ, न्यूक्लियोलस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है और ये गोल होता है और डेंस होता है। साइट ऑफ फॉर्मेशन एंड स्टोर हाउस ऑफ आरएनएस, राइबोसोमल आरएनएस। यहाँ पर ये जो न्यूक्लियोलस में अंदर जो होते हैं वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होते हैं और यहाँ पर इनका बनना होता है और वहीं पर एक्युमुलेशन होता है, तो हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। तो ये जो न्यूक्लियोलस है वो राइबोसोम्स के सिंथेसिस में हेल्प करती है। फोर्थ पार्ट इज क्रोमेटिन मटेरियल। इट इज नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड्स कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर्स। इसके अंदर जो फाइन थ्रेड्स पाए जाते हैं उनको हम क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यानी न्यूक्लियोप्लाज्म में जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो न्यूक्लियर क्रोमेटिन फाइबर से मिलकर बना होता है और क्रोमेटिन फाइबर जो होते हैं वो क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और जो जीन्स होते हैं वो हमारे करेक्टर्स को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ले जाने का काम करते हैं। तो इट इज द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम विच कैरीज जीन्स ऑन इट। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स पाए जाते हैं और वो जो है वो करेक्टर्स को वन जेनरेशन टू सेकेंड जेनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। इसका क्या काम है क्रोमेटिन नेटवर्क का? ट्रांसमिट करेक्टर्स फ्रॉम वन जेनरेशन टू अदर। ये करेक्टर्स को एक जेनरेशन से दूसरे जेनरेशन में ट्रांसफर करते हैं। तो हमने आज इसके न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। न्यूक्लियस के करेक्टर्स क्या है? ओवल, स्फेरिकल, सेंट्रिक। प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट्स में पाया जाता है। रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की और इसको हम डायरेक्टर ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि ये सारी एक्टिविटीज को डायरेक्ट करता है और कंट्रोल करता है। इसके फोर पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सैप, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन नेटवर्क। ये चारों पार्ट्स को हमने डिटेल स्टडी की। आज आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। और इससे रिलेटेड आप अगर कोई भी क्वेश्चन, आपके मन में कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।